नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जहाँ पर भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। दोस्तों, हम आपके लिए हर दिन नई नई जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आपको जानकारियाँ नहीं मिलती हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, आज की जो हमारी जड़ी बूटी है वह जड़ी बूटी बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा जड़ी बूटी है जो सफ़ेद दाग को ठीक करती है, मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ हो गया है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, किडनी और लीवर के समस्त रोगों का निदान करती है, यदि सर्दी खांसी हो गया है तो सर्दी खांसी को भी ठीक करती है, यहाँ तक कि आपका पाचन तंत्र अगर कमज़ोर हो गया है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, तो दोस्तों यह पाचन तंत्र को भी सही करता है। इसके साथ साथ कहीं पर सूजन आ गया है हाथों पैरों में तो सूजन को भी ठीक कर देता है। यह दोस्तों, आप जो इस वीडियो में वनस्पति देख रहे हैं इसे रसभरी के नाम से जाना जाता है। यदि आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि जितने भी लोग इस वनस्पति को नहीं जानते हैं वे लोग जान सकें। और यदि आप इसके वनस्पतिक नाम को जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप हो सकता है इसके बारे में कुछ जानकारियां रखते हों। क्योंकि दोस्तों, ये जो वनस्पति है बहुत ही आम है, ये आपको आसपास के सड़क के किनारे, नदी नालों के आसपास, यदि आपके गाँव के आसपास कहीं तालाब है तो तालाब के किनारे भी आप इसे देख सकते हैं, या फिर यदि आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो हो सकता है यह आपके खेतों के मेड़ों के साइड में कहीं पर भी आपको दिख जाए। बचपन में हो सकता है आपने इसका स्वाद चखा हो, क्योंकि यह खाने में बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। इसके जो फल होते हैं बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे लगते हैं, बच्चे अक्सर इसे खाते हैं, और दोस्तों बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। आपको बताना चाहूँगा, इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तियों के अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है, आपको भूख नहीं लगती है, खाना सही से नहीं पचता है, तो दोस्तों इसके ताज़े पत्तियों को आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद 500 ml पानी ले लीजिए, पानी के अंदर इनके पत्तियों को डाल दीजिए और काढ़ा तैयार कीजिए। इसके पत्तियों की मात्रा जो है, आप यहाँ पर 15 से 20 इसके पत्ते ले सकते हैं, या फिर 10 से 12 इसके पत्ते ले सकते हैं, और पानी में उबालिए जब तक कि पानी आधी न हो जाए। जब पानी आधी हो जाए तो आपका काढ़ा बन करके तैयार हो जाता है। इसका सेवन सुबह सुबह यदि आप करते हैं तो पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपके लीवर किडनी को भी सही बना देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कहीं पर सूजन आ गई है आपके हाथों व पैरों में, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीस करके जहां पर सूजन आ गई है, चाहे आपका हाथ हो पैर हो, वहां पर छाप लीजिए। ऐसा लगातार 2-3 बार करते हैं तो सूजन ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ यदि आपको सर्दी खांसी की समस्या है, बार बार आपको खांसी लग जाती है, तो दोस्तों इसके फल का चूर्ण बनाकर सेवन करने से लाभ होता है। इसके फल को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद सुखा लीजिए, खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। इसके साथ साथ मधुमेह की समस्या है तो दोस्तों रसभरी के पंचांग यानी कि फल फूल जड़ तना का काढ़ा बनाकर पीने से डायबिटीज़ में लाभ होता है। इसके अलावा यदि सफ़ेद दाग की समस्या है तो दोस्तों इसके पत्तियों का लेप करने से सफ़ेद दाग में लाभ होता है। आप इसके पत्तियों को तोड़ लीजिए, पीस लीजिए, जहाँ पर सफ़ेद दाग की समस्या है वहाँ पर लेप की तरह से लगाइए, आपके सफ़ेद दाग में लाभ होता है। लेकिन इसका प्रयोग आप बहुत ही सावधानी से करें, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे रसभरी के फायदे बताए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।